पेंशन निकाल लो ना एक आप चलो उधर एक एक करके सामने देखो सामने 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 कौन सी क्लास में पढ़ती है? पहले बताओ नौ पहले बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? रेडी बोला करो खिलानी करो जल्दी जल्दी भेजिए ये कौन सका चलो चलो बेटा करो चलो बेटा चलो चलो बच्चों चलो चलो भी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में है अच्छा पढ़ना ठीक है गॉड ब्लेस यू घर में हो ठीक है गॉड ब्लेस यू तो चलो चार बच्चे आ जाओ चलो चार बच्चे आ जाओ आज चंद्रा की पावन धरती पर हमने एक कैंपेन जो है अंडर द एजेस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जहां कैंपेन शुरू की। पहले हमने हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर हैं एक रैली की शेप में कॉलेज से निकले जिस रैली को डॉक्टर संगीता नगारी वर्दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कठुआ उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। अभी बच्चे चंद्रग्राम में पहुंचे इन्होंने रोड से चलते हुए लोगों को संदेश देते हुए कि बेटियों को पढ़ाना है इनको आगे बढ़ाना है ये स्लोगन देती हुई जहां पहुंचे हम लोग ये सारी बच्चियां हमारे साथ कॉलेज के जो एनएसएस इकाई के प्रोफेसर्स हैं वो मेरे साथ हैं जहां के सरपंच जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। तो अभी हमने कॉलेज की तरफ से बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स और कन्फेक्शनरी जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की। बच्चों में बड़ा उत्साह है हमें भी बड़ी खुशी हो रही है जब नन्हे मुन्ने बच्चों को हम देख रहे हैं बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ हैं और इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ आए हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज जो है समाज में जाने वाला है कि बच्चियों को जैसे पहले हुआ करता था बच्चों को जो बच्चियां हैं खास करके उनको जो है शिक्षा की तरफ जो है पेरेंट्स कम ध्यान देते थे अभी तो काफ़ी अवेयर हो गए हैं फिर भी जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमारी प्रिंसिपल मैडम ने डिसाइड किया एनएसएस की टीम को डायरेक्शंस दी कि जैसे कि ये कैंपेन चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये चार पाँच दिन से कार्यक्रम जो है कॉलेज में चल रहा है इसके पहले हमारे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक जो है प्रेजेंट किया और कॉलेज के बच्चों को ये संदेश दिया कि जिस भी गांव से वो बिलोंग करते हैं वो उस गांव में जाके लोगों को समझाएं
कि बच्चों को जो है प्रॉपर शिक्षा दी जानी चाहिए, खास करके ये जो महिला है गर्ल्स हैं, इन बच्चों को पीछे नहीं रखना है। हमें डिग्री कॉलेज वुमेन कॉलेज के बच्चों का कंपेनिंग एनएसएसएस के बच्चों का जो कैंप लगाया गया, हाँ जी भैया, इन बच्चों ने आज हमारे गांव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, जो लोगों को जैसे इन्होंने रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों को अवेयर किया कि जो हमारे गांव के लोग होते हैं जैसा कि बेटी और बेटे में फ़र्क समझते थे कि बेटियों को लड़कों के साथ बराबर का नहीं समझते थे, बेटी को कम पढ़ाते थे बेटे को दर्जा जा देते थे, इन्होंने आज बहुत अच्छा कैंपेनिंग की हमारे गांव में कि लोगों को जागरूक किया कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों को, और उतना ही लड़कियों को भी चढ़ बढ़ के रहना चाहिए। हम लोग पहले भी इस चीज़ पे काम करते आए, हमारा यही रहता है कि लोगों को अवेयर करना कि बेटी को पढ़ाना उसको जागरूक बनाना उसे काबिल बनाना कितना ज़रूरी है। आज हम इसको आंगनवाड़ी में आई हैं, हमने यहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, उन्हें कॉपी पेंसिल और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। हमारा यही मोटिव है कि जितने भी गर्ल चाइल्ड है खासकर इस विलेज में वो खुद पे इंडिपेंडेंट बने और जो गर्ल लिटरेसी है वो इंक्रीज हो हमारी कंट्री में भी और हमारी स्टेट में भी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी ये लोग देख रहे हैं अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें काबिल बनाएं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें और अपने देश को आगे लेने आने में उनका एक